मिशन फ्री लीगल एड एजुकेशन और मिशन आरटीआई ग्रुप, ये सभी आयोजकों की तौर से मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करती हूँ और खास करके हमारे एक्सपर्ट और जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे। और मैं ज्यादा टाइम और ना लेते हुए पहले जो हमारे स्पीकर हैं अनंत कुमार अस्थाना जी को अनुरोध करूंगी कि वो हमें अपनी बात बताएं। और आपके पास अस्थाना सर, आपके पास 20 मिनट और थोड़ा सा, और भी थोड़ा हो सकता है लेकिन 20 मिनट तो टाइम है, तो आप बिल्कुल आराम से अपनी बात को रखें। अस्थाना सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंक्ति जोग जी। 20 मिनट का समय मेरे लिए पर्याप्त है और मुझे बड़ी खुशी है कि सूचना के अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले मुख्य धारा के जो कार्यकर्ता साथी हैं उन्होंने बाल अधिकारिता केंद्रित एक गोष्ठी का आयोजन किया है। और मुझे लगता है कि जो कुछ जानकारी मेरे पास है इस विषय पर, चूंकि मैं मूलतः बाल अधिकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, लेकिन बाल अधिकारिता के क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाए, काम कैसे किए जाए, उसमें सूचना के अधिकार का प्रयोग एक रणनीतिक हथियार के तौर पर हम सब करते ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस मंच के माध्यम से मैं उस पर भी कुछ जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा कि सूचना के अधिकार का प्रयोग करके बाल अधिकारिता के क्षेत्र में क्या क्या काम किए गए हैं। इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कहीं भी, कहीं कोई दस्तावेज किसी ने बनाया नहीं। हम सब लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि दस्तावेज रह जाता है, तो उस लिहाज से ये कार्यक्रम उपयोगी है। मैं शुरुआत करूंगा साधारण मुद्दों से और फिर बात को ले जाऊंगा जटिल मुद्दों की तरफ। बहुत सारी चीजों की चर्चा मैं नहीं करूंगा इस मंच पर, क्योंकि कई ऐसी चर्चाएं हैं जो तभी संभव है जब बाल अधिकारिता की बड़ी बारीक समझ लोगों को हो। तो मैं जिन चीजों का जिक्र करूंगा, जिन संस्थाओं का जिक्र करूंगा, उनके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो चर्चा का कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी को। इसलिए कुछ चीजें मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बाद में आप लोग जुड़ें और उन चीजों को हमसे संकलित करके कुछ दस्तावेजीकरण करें या कोर्ट कचहरी में जहां भी आपका प्लान है इसको ले जाने का उसको जरूर ले जाएं। मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा, एक कानून होता है अपने यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बच्चों से जुड़ा हुआ लगभग एक तरीके से बाल अधिकारिता का चेहरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और उसमें जो एक सबसे प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि साहब अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष की न हो और वो अपराध करे तो उसको अपराधी की तरह पुलिस ट्रीट नहीं करेगी, उसको बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा और दंडित करने की बजाय उसका पुनर्वास करने को लेकर के प्रयास होगा। और पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन है, बाल कल्याण समितियों का गठन है जिले स्तर पर, तरह तरह के सांस्थानिक प्रयास हैं जैसे ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, तो पूरी एक व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई है। तो देखने में क्या आया कि बहुत सारे बच्चे, मैं उस वक्त दिल्ली में जो लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ऐसे बच्चों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो लीगल एड लॉयर होते हैं, मैं लीगल एड लॉयर के तौर पर मैं नामित था। तो हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जाते थे सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहीं बैठते थे, और जो भी बच्चे लाए जाते थे जिनके पास वकील नहीं होता था उनके केस हम लोग करते थे। हमारे पास पूरी टीम थी 5-6 साथी वकीलों की। तो बच्चों से बातचीत करने के दौरान अक्सर बच्चे ये बताते थे कि साहब हम जेल में रह के आए हैं। तो बड़ा ताजुब होता था कि ये बच्चा जेल में कैसे गया, ये तो नाबालिग है। नहीं साहब, पहले केस हुआ था उसमें हम जेल में रह के आए। कितना महीने रह के आए? 2 महीने रह के आए, 6 महीने रह के आए। तो ये बराबर से जानकारी हम लोगों के दिमाग में आती रहती थी बच्चों के माध्यम से कि ये बच्चे जेल भी जाते हैं। कौन ले जाता है? जाहिर सी बात है पुलिस ही ले जाती है जेल, और जो अदालतों में पेश किए जाते हैं
वहां मजिस्ट्रेट लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आयु कितनी है, कर दिया जुडिशियल कस्टडी। तो एक समय आया कि जब जुवेनाइल बोर्ड में लाए जाने वाले बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने लगा कि साहब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जितनी संख्या में हैं वो ज्यादा हो गए हैं, काम ही नहीं है इनके पास, तो बंद कर दिए जाएं एक दो। तो जब मामला यहां तक पहुंचा तो हम लोगों को थोड़ी चिंता हुई, दिल्ली के जो साथी थे सारे बाल अधिकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सबको चिंता हुई इस बात की कि एक तो इतने सालों का संघर्ष लगा है एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बढ़ा करके 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक करने में, और अब ये बंद करने के लिए चर्चा शुरू हो गई। तो जिससे भी बात करो वो यही पूछता था कि अच्छा कितने केस हैं जे जे बच्चों के, तो साहब केस तो बड़े उंगलियों पे गिनने लायक केस, तो ऐसे में कोई कहे कैसे हाईकोर्ट से कि 3-3 जेजेबी आप दिल्ली में चलाइए जब केस ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि हम में से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि दिल्ली से बाल अपराध समाप्त हो गया। तो बाल अपराध की स्थिति वही है, समाज में आप लोगों से बात करिए तो लोग कहते हैं कि साहब अमुक दिन बच्चे ने ये कर दिया, अमुक दिन बच्चे इतने सारे केस, तो ये जा कहां रहे हैं। तो पता चला कि साहब ऐसा है कि अब ये बच्चे जो है ना वो जेजेबी नहीं आ रहे हैं, अब वो सीधे उनको कागज में वयस्क लिख करके कोर्ट ले जाते हैं, अब तो जेजेबी लाना बंद कर दिया है। बच्चे अभी भी हैं जो अपराध कर रहे हैं जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, लेकिन साहब वो जेजेबी लाए नहीं जा रहे हैं। तो हम 5-6 साथी लोग बैठे इस विषय के ऊपर चिंता की थोड़ा सा, तो एक साहब ने सुझाव दिया कि पता करते हैं कि ये बच्चे हैं कहाँ। तो अब जो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है आरटीआई, किसी ने आरटीआई सुझाया कि भाई आरटीआई लगाते हैं। तो हमने फिर एक साथी हमारे बीच में थे उनसे निवेदन किया कि भाई आप आरटीआई लगाइए और पता करिए। तो एक आरटीआई लगाई गई, उस आरटीआई का सवाल लिखने में हमसे हो गई गलती, हमने गलत सवाल लिख दिया, तो जो जवाब आया वो 0 आया। तो 1-1.5 महीना उसमें हमारा नष्ट हुआ, लेकिन उसमें हमारी लर्निंग हो गई कि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर हमने अपने सवाल को बदला, हमने जो पहला सवाल पूछा वो तिहार जेल को आरटीआई की, और उनसे ये पूछा कि आपकी जेलों में कितने बच्चे हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब जुडिशियल कस्टडी में ही जा रहे होंगे, तो तिहार जेल में ही जाएंगे। तो हमने सवाल पूछा कि प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर इन तिहार जेल। तो जवाब आया 0, हमारी जेलों में कोई बच्चा नहीं है, और जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चा कोई जेल जा ही नहीं सकता, तो उनका जवाब बिल्कुल सही था। फिर जब हमने दोबारा इस बात पर चिंतन किया तो हमने अपना सवाल बदला, हमने उसे दूसरी आरटीआई की और उसमें कहा कृपया ये बताएं पिछले 1 साल में तिहाड़ जेल से कितने लोगों को बच्चा साबित होने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह ट्रांसफर किया गया है। ठीक, ये हमारे साथी ने सुझाव दिया। अब ये सवाल काम कर गया, इस सवाल का बढ़िया जवाब दिया तिहाड़ जेल ने, पिछले 11 महीनों का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने दिया, जुलाई 2011 इतने लोग, अगस्त 2011 इतने लोग, पूरा ऐसे महीने वार उन्होंने करके बहुत बढ़िया जवाब उन्होंने दिया, और कुल मिलाकर के उन्होंने 11 महीनों का जवाब दिया और संख्या थी 119 लोग पिछले 11 महीनों में तिहाड़ जेल में बंद थे जो बाद में बच्चे पाए गए और उनको तिहाड़ जेल से ट्रांसफर किया गया बाल संप्रेक्षण गृह। तो अब ये बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा कि साहब बच्चे हैं और वो जा रहे हैं जेल, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं उम्र की और अपने आप को बच्चा साबित करते हैं, उसके बाद वहां से वो बेचारे ट्रांसफर होकर के, इतने समय में बड़ा नुकसान हो जाता है।
बच्चे जब जेल जाते हैं तो वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बच्चों के जेल में जाने से बच्चों का पुनर्वास मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जेलों का अनुभव है, जो जेलों का असर है बच्चे के ऊपर, वो बच्चे के हृदय को शुष्क कर देता है। तो हमारा अनुभव यही है कि जो भी बच्चे जेलों में रहकर आते हैं उनके पुनर्वास में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनके दिल एकदम सूख जाते हैं, उनका जीवन इतना कठिन वैसे ही होता है, और फिर जेल में रह करके वो तरह तरह के प्रभाव उनके ऊपर पड़ते हैं। तो ये जो आरटीआई थी जिसमें 119 लोगों का नाबालिग होते हुए उनका जेल में होने का तथ्य पुष्ट हुआ, ये आरटीआई उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे मुख्य न्यायाधीश होते थे माननीय जस्टिस अर्जुन सिंह सीकरी, एके सीकरी, बाद में वो सर्वोच्च न्यायालय भी चले गए। तो ये आरटीआई उनको पत्र के माध्यम से उनको भेजी गई और उनको चिंता व्यक्त की गई कि महामहिम ये समस्या है, आप जेजेबी की संख्या घटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन असल में जेजेबी की संख्या घटाने की नहीं, जेजेबी की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे जेजेबीज में आने चाहिए, जुवेनाइल बोर्ड में जो बच्चे आने चाहिए, वो बच्चे असल में वो सब जा रहे हैं जेल। और जो 119 की संख्या है, हमने ये भी उनसे कहा कि जो 119 की संख्या है ये केवल वो संख्या है जो अपने आप को बच्चा साबित कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी, जिनको वकील उपलब्ध नहीं हुआ होगा, जो अदालत में अपनी बात रख नहीं पाए होंगे, तो संख्या ज्यादा हो सकती है। तो माननीय जस्टिस सीकरी ने उस पत्र का न्यायिक संज्ञान लिया और उसको एक पीआईएल में कन्वर्ट किया, और पीआईएल की सुनवाई के लिए पहले दिन ही उन्होंने कहा कि ये 119 की संख्या बड़ी अलार्मिंग संख्या है, और उन्होंने कहा एक भी बच्चा जेल नहीं जाना चाहिए। ये हो कैसे रहा है, 119 तो आरटीआई के माध्यम से आपने लिया है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आप सब परिचित होंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, उनको कहा कि आप आइए जरा हमारे मुकदमे में, और उनसे पूछा कि अगर हम आपको बोलें कि आप जेलों का निरीक्षण करें तो क्या आप करेंगे। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे जेलों का निरीक्षण। तो उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, इन दो निकायों को माननीय हाईकोर्ट ने निवेदन किया कि आप दोनों बाल अधिकारिता को समझने वाले कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी करें और उस टीम को हर महीने जेल भेजें, और ये टीम हर महीने जेल जाएगी और वकीलों के में आरटीआई पे चल रहा है जी, हर संडे आरटीआई पे कोई मुंबई का कोई चेयरमैन, सारे वकील आजकल जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, इनको आप खुद म्यूट कर सकते हैं क्या? शिवानंद जी परमिशन खत्म कर दीजिए ना अनम्यूट करने की, सिक्योरिटी में जाके परमिशन खत्म कर दीजिए। हमने लोगों को म्यूट कर दिया है और वो अब बिना परमिशन के नहीं वो कर पाएंगे। मैं एक सेकंड, मैं स्पीकर्स को अनंत कुमार जी एक सेकंड, आप मुझे परमिट करना पड़ेगा, जस्ट जस्ट आप हाँ जी वेरी गुड। तो मैं इस कहानी को छोटा करके खत्म करूंगा। तो दोनों सांवैधानिक निकायों को मिला करके 20 बढ़िया दिल्ली के जो एकदम जाने माने बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं उनको बकायदा लिस्ट पर नामित किया गया, और वो जेल जाने लगे, हर महीने जेल जाते थे, और वहां जितने लोग जेलों में बंद हैं सबसे मिल करके बात करके वो लिस्ट बनाते थे।
कि साहब ये लोग मिले हैं जो हमको नाबालिग लगते हैं। फिर उनकी जांच होती थी संपत अदालत के द्वारा, और बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग कई सालों तक बराबर से नाबालिग साबित हो करके वापस आते रहे। इसका बड़ा लाभ मिला, दो लाभ मिले। एक तो लाभ ये मिला कि इस पूरे तीन एक्चुअली इस पूरे आरटीआई का तीन लाभ हुआ। पहला कि साहब बड़ी तादाद में बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद स्वयं अपने नाबालिग होने का मुकदमा न लड़ पाते, उनको इस आरटीआई के माध्यम से शुरू हुई प्रक्रिया का लाभ मिला, और वो स्वयं सरकार की तरफ से ही चलाई गई कार्रवाइयों की वजह से, अदालत के द्वारा की गई जांचों के द्वारा, वो धीमे धीमे नाबालिग डिक्लेयर हो करके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आए। पहला तो सीधा लाभ तो सीधा सीधा बच्चों को मिला। दूसरा लाभ ये मिला कि इस विषय पर पूरे देश में किसी भी तरह का कोई चिंतन नहीं था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट जारी किया, और उस जजमेंट में इस समस्या के जड़ में जितनी भी वजह हैं, उन सारी वजहों को चिन्हित करके उनका कैसे कैसे निराकरण और समाधान करना है, उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से लेकर के नीचे तक, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, आईओ, एसएचओ, जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, सबको बिल्कुल क्लियर उसमें आदेश लिखे। और उसकी वजह से पहली बार हमको एक व्यवस्था का निर्माण हुआ जो दिल्ली में अभी भी लगातार चलती है। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि चूंकि इस पूरी घटना को हुए 10 साल हो गए हैं, तो व्यवस्था वापस पटरी पर जैसी थी वैसी ही फिर आ गई है। तो अभी मुझे हाल में पता चला कि एक पत्रकार हैं, उन पत्रकार साहब ने बिल्कुल वैसी ही आरटीआई की है जैसी हमने 2011 में की थी, और उस आरटीआई से उन्होंने फिर से वही संख्या निकाली है, और उतनी ही संख्या फिर से आई है 10 साल के बाद। और उन्होंने बहुत बढ़िया न्यूज रिपोर्ट, क्योंकि पत्रकार हैं, अब वो आरटीआई वकीलों के हाथ लगी थी तो कोर्ट चले गए, पत्रकार के हाथ लगी तो उन्होंने बढ़िया स्टोरी करी, और वो स्टोरी का दिल्ली की व्यवस्था पर बड़ा असर हुआ। अभी कुछ दिनों पहले माननीय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं, बड़े प्रसिद्ध न्यायाधीश हैं, जस्टिस राजीव सकडर, वो कहीं व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने उस आरटीआई का जिक्र किया कि अभी एक पत्रकार ने यह आरटीआई की है, और इसका मतलब है कि उनकी जानकारी में बात आ गई है और उन्होंने अपना कुछ व्यवस्था सुधार के ऊपर काम किया होगा। इसका एक और फायदा हुआ कि इस आरटीआई के माध्यम से जो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई उसका कानून में संशोधन भी उसकी वजह से हो गया। अब देखिएगा, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया, नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उस एक्ट में एक धारा जोड़ी गई, धारा सेक्शन 83M, सेक्शन 83M, और 83M में पहली बार जुवेनाइल जस्टिस बाल अधिकारिता के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रावधान ऐड किया गया, कहा गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम बना दिया गया जेलों का निरीक्षण, जेलों में बंद बच्चों को चिन्हित करने के लिए बाल न्याय परिषद समय समय पर जेलों का निरीक्षण करती रहेगी। तो अब ये जजमेंट में, ये केंद्रीय कानून में आ गया, अब ये दिल्ली तक नहीं सीमित रहेगी, अब ये पूरे देश के लिए लागू है। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर जिले में बने हुए हैं, इन सबको इस प्रावधान के लागू करने के लिए प्रेरित किया जाए, और हमारे बहुत सारे साथी बाल अधिकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सदस्य हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो बकायदा ट्रेंड हैं, ओरिएंटेड हैं, वो बिना किसी के कहे, बिना किसी आरटीआई के, क्योंकि कानून में उनका काम हो गया है, तो अब वो बराबर से जेलों में जाते हैं। कितनी प्रभावशीलता के साथ वो काम हो पा रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर की शुरुआत।
तो एक छोटी सी आरटीआई से बच्चों का लाभ, एक बहुत बड़ा जजमेंट अपने विषय पर, अपनी तरह का इकलौता जजमेंट पूरे देश में, और केंद्रीय कानून में अमेंडमेंट, इससे ज्यादा एक आरटीआई की एप्लीकेशन से कोई क्या उम्मीद करेगा, राइट। तो एक तो ये उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब दूसरा एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबने 10-9-8 का नाम सुना होगा, 10-9-8 चाइल्ड लाइन, हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और ये केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक सेवा है। बच्चे मोबाइल से फोन करते हैं और अपना अपनी शिकायत बताते हैं, तो जो चाइल्ड लाइन की टीम है उन बच्चों तक पहुंचती है, और चाइल्ड लाइन की टीम का काम है बच्चों को जो स्वयं व्यवस्था से नहीं जुड़ सकते उनको व्यवस्था से जोड़ना, इमरजेंसी आउटरीच सर्विस है ये। तो 2014 या 15 में दिल्ली के बाल अधिकार आयोग ने सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों का क्या हाल है, कितने बच्चे हैं, क्यों भीख मांगते हैं, किन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, इस सारे विषय पर एक बहुत बड़ा अध्ययन किया। करीब 6,000 बच्चों को उन्होंने केवल दिल्ली में चिन्हित किया और उसके आधार पर एक रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप में से जो लोग चाहेंगे मैं भेज दूंगा आयोजकों को, आप ले लें उसको। और उस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि उस रिपोर्ट की कॉपी उस वक्त के जो मंत्री थे, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग और समाज कल्याण, ये दोनों विभाग दिल्ली में एक ही हैं, WCD और सोशल वेलफेयर एक ही विभाग है, तो इन दोनों विभागों के जो मंत्री थे उनको किसी ने पत्र भेजा कि साहब ऐसे ऐसे सर्वे हुआ है, बाल आयोग ने सर्वे किया है और ये रिपोर्ट निकाली है। तो साहब रिपोर्ट निकालने तक मामला रुकना नहीं चाहिए, अब काम तो हो इसके ऊपर, समस्या पता चल गई, अब काम हो। तो मंत्री महोदय ने वो पत्र जो है महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के अधिकारियों को फॉरवर्ड किया रिपोर्ट के साथ कि भाई देखिए ऐसे ऐसे अध्ययन हुआ है, आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो दिल्ली का जो महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग है उन्होंने मंत्री महोदय का ये पत्र मिलने पर 27 जून 2016 को चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि चूंकि आप बच्चों के मामले पर काम करने के विशेषज्ञ हैं, आप जरा दिल्ली में इस मसले पर कुछ कार्रवाई करें। ऐसे करके पत्र चला गया। ठीक, तो सरकारी व्यवस्था तो ऐसे ही काम करती है, अध्ययन हुआ, उसका मंत्री महोदय ने संज्ञान लिया, उसको उन्होंने विभाग के अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया, विभाग के अधिकारियों ने अपना किसी भी संबद्ध एजेंसी को काम करने के लिए कह दिया। अब सवाल ये उठता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, पत्रवत तो खूब लिख दिए गए लेकिन असल में काम हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे बीच में से ही एक साथी हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई। ठीक, फिर देखिए आरटीआई का काम आया, उन्होंने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में उन्होंने ये पूछा कि बताइए साहब ये जो पूरा पत्राचार हुआ है, अध्ययन हुआ है, इसके बाद कितने बच्चे चिन्हित हुए, उनमें से कितनों को बाल कल्याण समिति में प्रोड्यूस किया गया और उनके पुनर्वास के लिए क्या क्या काम किए गए, जरा इसकी जानकारी दीजिए। और ये आरटीआई उन्होंने लगाई एक साल के बाद, 4 जुलाई 2017 को उन्होंने ये आरटीआई लगाई। अब उस आरटीआई के गोलमोल जवाब आए कि बच्चों का आंकड़ा नहीं दे सकते, संख्या नहीं दे सकते, या उनसे ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, जो भी जवाब रहे हो। करते करते लब्बो लुआब ये है कि भाई ये पूरा का पूरा मामला केंद्रीय सूचना आयोग के सामने पहुंचा। केंद्रीय सूचना आयोग ने जब कार्रवाई की तो उन्होंने दिल्ली सरकार के बड़े अफसरों को बुलाया, आइए साहब बताइए जरा क्या क्या काम हुआ है।
तो जो दिल्ली सरकार के बड़े अफसर थे उन्होंने बकायदा लिखित में ये कहा कि साहब एक एनजीओ है, हमने उन एनजीओ को कहा है और उन्होंने जो काम किया होगा, अब वो एनजीओ हैं तो अब हम उनसे कैसे जानकारी लें। तो जानकारी मतलब कहने का मतलब यह था कि जानकारी मिलेगी नहीं। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने कहा ये कौन सा एनजीओ है जिसको आपने कहा है। उन्होंने कहा साहब चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है। तो सीआईसी ने कहा अच्छा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, तो ये तो भारत सरकार के द्वारा 100% फाइनेंशियली एडेड बॉडी है। तो साहब हाँ, भारत सरकार ही पूरा पैसा देती है। और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के पास जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाए आयोग को, और चूंकि ये सरकारी पैसे से चलने वाला एक निकाय है और भारत सरकार के द्वारा सेटअप है, इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर नहीं है। और आप सबको बड़ी खुशी होगी जानकर के कि 19 जुलाई 2019 को, अभी मेरे ख्याल से दो साल हुए हैं आदेश को आए हुए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने आदेश में लिखा कि ऐसा कहना कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है ये गलत है, बकायदा उनका फाइंडिंग है। और उसका असर ये हुआ कि अब चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को बकायदा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उनकी जनता के प्रति काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये जानकारी मैं आप सबके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये जानकारी पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। जो कार्यकर्ता साथी इससे जुड़े रहे हैं उन्होंने शायद इस बारे में शेयरिंग की है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, ये कंट्रीब्यूशन एक तरीके से देखा जाएगा। अच्छा, और कितना समय है मेरे पास अभी पंक्ति जी? और 5 मिनट। ओके, 5 मिनट, ठीक। तो 5 मिनट में मैं दो और इस तरह के उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 2006 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ बाल अधिकारिता के क्षेत्र में। आप सब जानते होंगे हर 3 साल में सारे पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर सारे मुख्यमंत्री किसी भी दल के हों, अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप उस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और वो राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं और फिर नीतिगत निर्णय उस कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं। बड़ी प्रभावशाली कॉन्फ्रेंस होती है, किसी तरह की राजनीतिक उसमें वो नहीं होती। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस से पहले एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस के पहले चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें सारे जितने भी माननीय उच्च न्यायालय हैं उनके चीफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय के जज, ये सब लोग बैठते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में किन किन चीजों की जरूरत है, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर आंतरिक चिंतन चलता है। तो 2006 में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई। 2006 में आम तौर पर जिस तरह के मामलों को चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा जाता, वैसा एक विषय उन्होंने अपने एजेंडे पर ले लिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। उनके सामने कोई मामला जिक्र किया गया तो बकायदा उन्होंने एजेंडे पर ले लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी बिना किसी मुकदमे के प्रशासनिक स्तर पर न्यायपालिका कहेगी अब हम देखेंगे। तो ये कहा जाता था कि जो बाल न्याय कानून है ये अनाथ कानून है, इनके पीछे ना तो कोई राजनीतिक दबाव है, बच्चे वोटर्स नहीं है तो कोई इनकी ज्यादा चिंता होती नहीं है। 2006 में ये जो घटना हुई इसका बड़ा असर देखने में आया और इन्होंने एक छोटी सी बात कही। इन्होंने ये जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस है उसमें निर्णय नहीं लिए जाते, उसमें संकल्प लिए जाते हैं।
हम ऐसा करेंगे, सामूहिक संकल्प, उनको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि सारे हाई कोर्ट अपने अपने राज्यों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिटिंग जजेस की एक समिति का गठन करेंगे। किसी कानून में नहीं है, केवल रिजोल्यूशन से ही कमेटी बनाती सिटिंग जजेस की। अब ये जब सिटिंग जजेस की कमेटी बनाने की बात हुई तो दिल्ली पहला राज्य था जिसने 3 जजेस की कमेटी बनाई, जस्टिस अनिल शर्मा, जस्टिस मदन बी लोकुर और एक और जज थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है इस वक्त। ये 3 जजेस देश में पहली बार प्रशासनिक स्तर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी के लिए बैठे। और अचानक से जब ये कमेटी बैठी और इन्होंने सरकार के सारे बड़े बड़े अफसरों को एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, चाय नाश्ता हुआ, चीजों के ऊपर बातचीत हुई और जजेस बैठे हैं, जजेस बातचीत कर रहे हैं, अच्छा मुकदमे के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं तो कोई डिफेंसिव भी नहीं हो रहा है, सब अपनी समस्याएं रख के बता रहे हैं, उसका बड़ा तेजी से असर हुआ। अचानक से व्यवस्थाओं में बदलाव होना शुरू हो गया दिल्ली के अंदर। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ये उत्सुकता हुई कि भाई ये हो क्या रहा है, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या है, कौन है, ये क्या डिस्कस करते हैं, ये क्या कागज लिखते हैं, ये कैसे पता चले, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता था। तो दिल्ली के ही एक साथी हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई हाई कोर्ट पर और आरटीआई के माध्यम से पहली बार जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, मैं फिर से दोहरा दूं, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ये चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस के रिजोल्यूशन से निकला एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी व्यवस्था के साथ पर्दे के पीछे रहते हुए प्रशासनिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से रिजोल्यूशन करता है चीजों का। और बाल अधिकारिता के क्षेत्र में आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे देश में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का बड़ा दखल है बाल अधिकारिता की व्यवस्थाओं को रोल आउट करने में। अब तो 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का गठन हो चुका है, 2006 में दिल्ली में पहली बार हुई, उसके बाद कई अलग अलग हाईकोर्टों में और फिर 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी। इस कमेटी के काम करने के तरीके को लेकर के लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है, कैसे काम होता है, कौन से विषय उनकी जानकारी में लाए जाते हैं, उसको लेकर के उनके अंदरूनी दस्तावेजों को प्राप्त करना दिल्ली में पहला प्रयोग हुआ जिसमें आरटीआई के माध्यम से इस कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे गए और वो जब साधी ने प्राप्त किए तो उन्होंने बकायदा ईमेल के माध्यम से सबको सर्कुलेट किए। तो बहुत सारे लोगों को पता चला पहली बार कि जेजेसी भी होती है और कैसे काम करती है उनका दस्तावेज देख करके। तो अब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जेजेसी के मिनट्स वगैरह मिल जाएंगे। हालांकि ये भी चिंता का विषय है कि बहुत सारे राज्यों में जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज की प्रोसीडिंग्स अभी भी गोपनीय है, वेबसाइट पर उनका जिक्र, जैसे दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में माननीय जस्टिस राजीव सगडर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सारे मिनट्स दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्होंने वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर रखा है सारा कुछ। और जस्टिस राजीव सगडर एक कॉन्फ्रेंस में बोलने आए थे तो उन्होंने कहा कि जेजेसी वो आरटीआई के दायरे में आती है क्योंकि सार्वजनिक काम है, पब्लिक काम है, तो आरटीआई के दायरे में आती है। लेकिन देश में बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के मिनट्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, जिनको जानकारी होती है या जो मीटिंग में अटेंड करते हैं उन्हीं को मिलते हैं वो। हालांकि ये मामला महत्वपूर्ण है कि जनता को और जो इस क्षेत्र पर काम करने वाले लोग हैं उनको जेजेसी के में किन विषयों पर काम हो रहा है, किन विषयों पर बातचीत की जा रही है उसकी जानकारी मिले और आरटीआई एक बेहतर कारगर जरिया हो सकता है इन इन कमेटीज के काम में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। जी अस्ताना जी, मैं थोड़ा सा अभी आपको ये करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि अभी हाँ नहीं अभी उसको आपकी बात को समेटते हुए क्या आप 2 मिनट में एक मार्गदर्शन दे सकते हैं बहुत सारे चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट दोनों इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा क्विकली अगर एक मार्गदर्शन दें क्योंकि 2-3 बहुत ही सुंदर उदाहरण आपने दिए हैं, बट और भी थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं तो।
पंक्ति जी, मार्गदर्शन देने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बच्चों से जुड़े जो कानून हैं वो बड़ी रफ्तार के साथ पिछले 10 सालों में बने हैं और बड़ी तेजी से व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है, और इस व्यवस्था में सूचना के अधिकार का प्रयोग जानकारी को छुपाने के लिए भी किया जाता है, जानकारी को निकालने के लिए भी किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे कानूनी जटिलताएं भी हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 19 है जो कहता है सारी रिपोर्टें कॉन्फिडेंशियल हैं, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल हैं बच्चों के। तो आरटीआई का बच्चों के कानूनों के साथ किन किन मुद्दों पर टकराव होता है वो एक ऐसा विषय है जिसको समझना और उसका क्या समाधान निकले, क्योंकि तो दोनों कानून पवित्र कानून हैं, आरटीआई भी पवित्र कानून है और बच्चों के लिए जो कानून बने हैं वो भी एक अच्छी मंशा के साथ, दो अच्छी मंशा के साथ आए कानूनों के प्रावधानों और उद्देश्यों में आदर्श रूप से किसी तरह का टकराव होना नहीं चाहिए, बशर्ते कि हम उन विषयों को चिन्हित करें, उनके ऊपर बात करें, सलाह मशवरा करें और समाधान निकाल करके सबके सामने प्रस्तुत करें। यही बस मेरा एक सुझाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंक्ति जी मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। मुझे उम्मीद है मैंने जो बातें कही हैं रखी हैं उससे लोगों को लाभ होगा, और किसी भी तरह का कोई सहयोग अगर मेरे स्तर पर हो सकता है तो मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हसना जी। और आप, आशा है कि आप जुड़े रहेंगे क्योंकि सवाल भी आएंगे और कमेंट्स या आगे भी हम लेने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से 3 जबरदस्त उदाहरण दिए आपने कि जो ये बताते हैं कि कैसे सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बाल अधिकारों को मजबूत करने का काम हुआ, और वो भी पॉलिसी लेवल तक। एक बार फिर एक बार धन्यवाद। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष शिंदे जी को। संतोष शिंदे जी, आप अपनी बात 20-25 मिनट तक रख सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और मैं होस्ट को कहूंगी कि वो उनको अनम्यूट करने की ये दे दें। जी शिंदे जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, थैंक यू। सो धन्यवाद सभी को, और सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसे